हर बार लड़के गलत नहीं होते, हर बार लड़के गलत नहीं होते, जितना उन्हें गलत बताया जाता है उतने भी वो गलत नहीं होते, हर बार लड़के गलत नहीं होते, हर बार उनके ऊपर लड़की फंसाने का इल्ज़ाम आता है, हर बार उनके ऊपर लड़की फंसाने का इल्ज़ाम आता है। इरादे लड़कियों के भी गलत होते हैं और गलत लड़कों को बताया जाता है और गलत लड़कों को बताया जाता है। कहते हैं इस ज़माने में लड़का और लड़की को बराबर का हिस्सा मिलता है। कहते हैं इस ज़माने में लड़के और लड़की को दोनों को बराबर का हिस्सा मिलता है, तब क्यों लड़कियों को छोड़ लड़कों को ही क्यों हमेशा इल्ज़ाम का ढेर लगाया जाता है। लड़के हमेशा सह लेते हैं इन इल्ज़ामों को, लड़के हमेशा सह लेते हैं इल्ज़ामों को, लेकिन अंदर से वो भी टूट जाते हैं। रोते लड़के भी हैं लेकिन किसी को जाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं कर पाते हैं। वो अंदर से डिप्रेशन में जूझ जाते हैं, अपने आँखों की नमी, दिल में दर्द छुपाए दूसरों के सामने नकली हंसी ले आते हैं, नकली हंसी वो ले आते हैं। हर बार लड़के गलत नहीं होते, जितना गलत उन्हें बताया जाता है उतने गलत वो नहीं होते। कभी उनसे उनके दिल का हाल पूछ कर तो देखो, कभी उनसे उनका दिल का हाल पूछ कर तो देखो, उनकी भी रू ज़ोर ज़ोर से रोती है। लड़के कभी बताते और जताते नहीं, लड़के कभी बताते और जताते नहीं, लेकिन अकेले में उनकी आंखें नम होती हैं, उनकी आंखें नम होती हैं। हाँ मैं कहती हूँ हर बार लड़के गलत नहीं होते, जितना उन्हें बताया जाता है उतने भी वो गलत नहीं होते, जितना उन्हें गलत समझा जाता है। ये भी हर रिश्ता दिल से निभाते हैं, तब भी इन्हें गलत ठहराया जाता है। अरे यकीन मानो हर बार लड़के गलत नहीं होते, जितना उन्हें गलत बताया जाता है। लेकिन जब बात प्यार पर आती है तो उन्हें टाइम पास कहा जाता है। मैं कहती हूँ ना हमेशा प्यार में लड़के धोखा नहीं देते। कभी कभी लड़कियाँ भी मिसयूज़ कर जाती हैं, और हमेशा आशिकी में लड़के ही बदनाम क्यों? कभी कभी लड़कियाँ भी लड़कों को बदनाम कर जाती हैं। वो तो करते हैं सच्चा प्यार, कभी कभी लड़कियाँ भी सच्चे प्यार की बदनामी करवा जाती हैं, और हमेशा प्यार में लड़के ही बदनाम क्यों? कभी कभी लड़कियाँ भी लड़कों को बदनाम कर जाती हैं। तो ये जो एक मैंने शायरी भी लिखी थी, ये शायरी हमारे शादी थी किसी की, तो वहाँ पर हल्दी हो रही थी, तो मैंने ये हल्दी पर लिखी थी, तो सुनिएगा ज़रा। इस हल्दी को देख मेरे दिल में भी एक ख्याल आया है कि मेरे लिए भी कोई हल्दी का पैगाम लाया है। अब तो दिल कर रहा है हम भी बन जाएं किसी की दुल्हनिया, क्योंकि इस हल्दी को देख हमें भी अपने आशिक का नाम याद आया है। शुक्रिया।